ऑलराइट सचिन, आई एम वेरी हैप्पी कि आज आपसे बात हो रही है और इतने सालों से आप खेल रहे हैं, दिस इज योर थर्ड सीजन. सो मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि महत्वपूर्ण मोमेंट्स में ये आप प्रेशर कैसे संभालते हैं. वो वक्त जब आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो सकता है, इतना प्रेशर है, सारे लोग, पूरी ऑडियंस हल्ला कर रही है, आपकी टीम हल्ला कर रही है, एंड यू आर लाइक बहुत प्रेशर हो रहा है, तो आप कैसे उसको हैंडल करते हैं? मैम जैसे कि अभी जैसे मैच चल रहा है, मैच की सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करते हैं मैम. जैसे मैच टफ है, इधर भी हो सकता है मैच, टीम से बात कर कर कौन सी किस हिसाब से उनकी साइड कैसी है, कौन सी वीक साइड है उन पे, उस जैसे राइट का लेफ्ट का कवर वीक है तो उनकी लेफ्ट का रेड रेडर भेजेंगे मैम, राइट का वीक है तो राइट का रेडर भेजेंगे, ऐसे करके मैम सिचुएशन के हिसाब से मैच को निकाल के लेके आते हैं. मुझसे पूछिए तो सेम सवाल जरा सचिन. मैं अगर मैं हूँ उस जगह पे तो मैं क्या करती हूँ मैं बताती हूँ. मैं ऐसे एक चार दीवार चारों तरफ लगा देती हूँ ताकि ना मुझे किसी की आवाज सुनाई ना दे, और मैं अंदर बहुत अच्छे से ब्रीथ करती हूँ और तब मेरा दिमाग खुल जाता है. एंड आई एम लाइक अब वो सारी चीजें करूंगी जो सचिन ने अभी बताया. सो आई थिंक सबसे ज्यादा जब प्रेशर टॉप पे रहता है ना, तो मेरे जैसा आदमी वो हमेशा एक बहुत डीप ब्रीथ करता है ताकि दिमाग खुल जाए और तभी मैं कुछ कर पाती हूँ. बट आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि आपके एक्सपीरियंस इतने ज्यादा हैं, आपको पता है एग्जैक्टली क्या करना है गेम में, और हमें आपके जैसे प्लेयर्स की जरूरत है क्योंकि जो कामनेस से खेल सकता हो, जो आगे बढ़ सकता हो. तो आप हमेशा फिट रहते हैं, मैंने सुना है कि यू नो फिटनेस के लिए आप कुछ भी करते हैं, तो आप मुझे बताइए कि जब ऑफ सीजन रहता है तब आप क्या करते हैं फिट रहने के लिए, क्योंकि उतने सारे प्रैक्टिसेस नहीं हो पाते हैं, सब नहीं हो पाता है, तो फिर क्या करते हैं आप? मैम ऑफ सीजन में फिटनेस की ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं मैम, ग्राउंड वर्क से ज़्यादा फिटनेस हो गई, जैसे मैम जिम हो गया, रनिंग शॉर्ट्स स्प्रिंट वगैरह, तो मैम थोड़ा डाइट पे ध्यान रख कर, तो सब कुछ रख कर जब फिटनेस पे ध्यान दिया जाता है मैम. सचिन ऑफ सीजन में क्या खाना आप खाते हैं जो जो जब गेम्स टूर्नामेंट शुरू हो जाते हैं तो आप नहीं खाते हैं, ऐसी क्या चीज़ आप जो खाते हैं जो आपको लगता है अभी खा लेता हूँ क्योंकि गेम सब शुरू हो जाएगा तो मैं नहीं खा सकता, ऐसा क्या चीज़ है? मैम मिठाई खा लेते हैं अभी तो. मीठा में क्या खाते हैं आप? मीठा में आइसक्रीम खाते हैं या एकदम मिठाई? काजू कतली. मिठाई काजू कतली. मुझे भी भूख लगती है अब तो. अच्छा एक बात बताइए कि कबड्डी मैच के दौरान आपको मतलब ये क्या आपको प्रेरणा देती है कबड्डी, जब आप खेल रहे होते हैं आपको कबड्डी से क्या प्रेरणा मिलती है? मैम कबड्डी से प्रेरणा ये मिलती है तो फिट रहते हैं मैम हम, हमेशा मतलब स्पोर्ट्स पर्सन है तो फिट जरूरी है कबड्डी खेलने के लिए. और मैम जैसे अच्छे जब हम अच्छे वो करते हैं ना, जैसे मैम बेस्ट से बेस्ट खेलते हैं तो बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है, खुद से मैंने आज बेस्ट किया तो बहुत अच्छा फील होता है कि हम कबड्डी खेल रहे हैं. और जैसे जिंदगी में रुका नहीं जाता है वैसे कबड्डी में भी हम रुकेंगे नहीं और जीत के ही वापस आएंगे. इस बार आपका तीसरा सीजन है और वी आर वेरी एक्साइटेड. सचिन आप बताइए, आपने मन में कभी अपने रूम को अकेले बंद करके सोचा है कि इस बार मेरा पर्सनल गोल क्या है? यस मैम एक गोल है कि प्रो कबड्डी में तीन बार मैं फाइनल में पहुंचा हूँ ना मैम, तो हम रन अप रहे हैं, मतलब सेकंड पोजीशन ही रही है, फर्स्ट बार जीते नहीं मैम अभी तक, रिकॉर्ड है तीन बार फाइनल में गए मैम, तीन बार सेकंड पोजीशन रही है, तो एक गोल है कि मैम चौथी बार पटना पायरेट्स को ट्रॉफी दिलाएं हम, थ्री बार चैंपियन होगी तो चौथी बार और बनाए चैंपियन और अपना बेस्ट से बेस्ट दे मैम और अपने पटना के जितने फैन है उनको खुश रखें. ऑलराइट सचिन एक बहुत ही अमेजिंग सा क्वेश्चन है जो आई थिंक सारे ऑडियंस का फेवरेट क्वेश्चन भी है आपके लिए. सबको पता चल गया है कि आपको लोग घोड़ा बुलाते हैं, ये बात सच है? यस मैम ये सच है क्योंकि हम गांधीनगर साई में थे तो मैं वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वहाँ ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तब मैंने जंप लगा दिया था, बीच ग्राउंड था मतलब मिट्टी का ग्राउंड था ज़्यादा, उसमें मिट्टी रहती है बीच ग्राउंड में, तो उस पे जंप लगा दिया, सभी बोलने लग गए उस बात पर, सभी को निक नेम रख दिया घोड़ा घोड़ा साई में से रखा था. घोड़ा घोड़े की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बहुत तगड़ा भी होता है आपको पता है ना, घोड़े ऐसे ही नहीं कहा जाता है किसी को घोड़ा, घोड़ा मतलब बहुत हाई है बिल्कुल. तो आई थिंक आई एम श्योर घोड़े का परफॉर्मेंस जो होता है वो सब लोग वेट करते हैं, इतने घोड़े के रेसेस होते हैं और सारी चीजें होती है, तो घोड़ा आपके नाम के साथ जुड़ा है तो आई एम श्योर वैसे परफॉर्मेंसेस भी हम आपके लिए देखेंगे. तो ये मेरा आखिरी सवाल आपसे है और आपकी इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं और इतनी इंस्पिरेशन वाली बातें क्योंकि आपके एक्सपीरियंस इतने अच्छे हैं, तो लगातार तीन सीजन से पट्टा पायरेट्स के साथ आप खेल रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या आपको क्या लग रहा है कि you know that experience that feeling ki team feeling
मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पटना पायरेट्स की टीम का मैं हिस्सा बनकर, जो मेरे पे इतना भरोसा जताती है पटना पायरेट्स टीम, जो मेरे को हर बार लेती है और इतना भरोसा जताती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा फील होती है कि मैं पटना पायरेट्स के लिए अच्छा करूँ और पटना पायरेट्स को जिताऊँ और ट्रॉफी इस बार हम सीजन 10 की ट्रॉफी पटना में लेके जाएं। और मैं आपको बता देती हूँ कि सचिन, जितने भी सीनियर्स से या ऑफिशियल से मैं बात करती हूँ पटना पायरेट्स के या टीम मेंबर्स के या यू नो प्लेयर्स से मैं बात करती हूँ, सब के दिमाग में एक शब्द है आपके लिए जो सब एक साथ कहते हैं, और वो शब्द है ट्रस्ट, कि आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं, फेथ करते हैं और विश्वास है कि तीसरी बार जब आप खेल रहे हैं तो वो जो जिम्मेदारी होती है उसको आप जरूर निभाएंगे और पटना पायरेट्स को बहुत ऊपर जीत की मंजिल तक ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन, थैंक यू सो मच एंड गुड लक। आई एम रियली रियली रूटिंग फॉर यू, आपको बहुत अच्छा करना ही है। ठीक है सचिन, थैंक यू।